नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल बेस्ट ड्रीम इलेवन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सदर्न वाइपर और यॉर्कशायर डायमंड के बीच खेले जाने वाले वुमेन सुपर T20 मैच के। चलिए बात करते हैं इस मैच के बारे में। तो सदर्न वाइपर्स पॉइंट टेबल में सबसे निचले स्थान पर, इनका प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा है। ये लगभग 6 मैचों में मात्र 1 जीत पाई है और वो 5 हार के साथ सबसे निचले पायदान पर है। उसी तरह यॉर्कशायर डायमंड का भी कुछ इसी तरह हाल है, वो भी 6 मैच खेल चुकी है जिसमें से वो मात्र 1 मैच जीती है और उनका 1 मैच बारिश का रद्द हो गया। उनका 6 पॉइंट है और वो सदर्न वाइपर से ऊपर है। आज मैं आपको इस वीडियो में ड्रीम इलेवन टीम सदर्न का प्लेइंग बताऊंगा। जो मैं प्लेयर आपको बताऊंगा आप उसके हिसाब से टीम बनाइएगा, और या फिर आप मेरे टीम के साथ भी आप जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं इनका पॉसिबल प्लेइंग इलेवन क्या होगा। सदर्न वाइपर्स तरफ से आपको ओपनिंग करते दिखेगी सूजी बेट्स, उनके साथ डैनियल वाइट, इन दोनों का ही पाँव उतार चढ़ाव के साथ भरा रहा है। ये दोनों भी कंसिस्टेंस प्रदर्शन नहीं कर पाए जिसके कारण साउथर्न वाइपर्स सबसे निचले पायदान पे है। फर्स्ट रन आपको देखेंगे टेमी बीमोंट, मेगन डिप्रूज, कालरा रोड, सारा मैगलांस, ब्रेंडल स्कॉलफील्ड, एमेला कर, केटी जॉर्ज का न्यूज अभी तक नहीं मिल पाया। मुझे केटी जॉर्ज अगर पूरी तरह अगर फिट होंगी तभी आज खेलेंगी, या फिर उनके जगह फिर लारा बेल को खिलाया जा सकता है। अब उसके बाद FI मॉडिस। चलिए बात करते हैं अब यॉर्कशायर डायमंड के प्रोबेबल प्लेइंग इलेवन किस तरह होगा। यॉर्कशायर डायमंड तो सपोर्ट ओपनिंग कर देखेंगे लारन वेनफील्ड, उनके साथ बेथ मुनी, चमारा अटा पट्टू, ए डेविडसन रिचर्ड्स, डेलिशा किमिंस, के बंट, ब्रोक्स, बेथ लैंगस्टन, यहाँ गिवेन डेविस या के थॉम्पसन में से किन्हीं को खिलाया जा सकता है। मुझे लगता है कि गिवेन डिमिस डेविस खेलेगी, बट ये दोनों हमारे रिस्की ऑप्शन है और अपने ड्रीम इलेवन में इग्नोर ही करे तो बेहतर रहेगा। उसके बाद कैटी लेवी के हेलेना फेनावी। चलिए बात करते हैं अब ड्रीम इलेवन का, तो देखते हैं मैंने पहले से ड्रीम इलेवन। चलिए सबसे पहले विकेट कीपर ऑप्शन में, विकेट कीपर सेक्शन में आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होंगी बेथ मुनी और टेमी ब्यूमेंट, यही दोनों आज का मैच खेलेगी और ये नहीं खेलेगी, कालरा रूड खेलेगी और ये तीनों आज का मैच खेलेगी। आप इन तीनों में से किसी एक को पिक करिएगा। मैं बेथ मुनी के साथ जा रहा हूँ क्योंकि इन्होंने पिछले कुछ मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया रहा हूँ, अगर अच्छा प्रदर्शन करें ये उनके टीम के लिए और हमारे लिए अच्छा साइन है, इसलिए मैं बेथ मुनी के साथ जा रहा हूँ। आप चाहे तो टेमी बीमोंट के साथ जा सकते हैं, इनका क्रेडिट भी हाई है इसलिए मैं इन क्रेडिट नहीं मैनेज कर पाया, टेमी बीमोंट को मैं छोड़ रहा हूँ। अब चलते हैं बैटिंग सेक्शन में, बैटिंग सेक्शन में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होंगे लॉरेन विनफील्ड, चमारा अट्टापट्टू, डेनियल वाइट और सारा मैगलेस। मैं इन चार बैट्समैन के साथ जा रहा हूँ। आप चाहे तो मेगन डिप्रूज, ब्रॉक्स, और यही इन्हीं पांचों में से आप किन्हीं को चूज करिए, ये आज का मैच नहीं खेलेंगी। चलिए चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, ऑलराउंडर सेक्शन में आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा सूजी वेट्स, डेविडसन, कैथरीन ब्रंट, डेलिशा किमिंसी, एमेला कर, ये पांचों आज का मैच खेलेंगी। आप चाहे तो यहाँ से इन पांचों में से किन्हीं को ले सकते हैं, ये सभी आज का मैच खेलेंगे। मैं सूजी बेट्स और अलिंसा डिविजन रिचर्ड्स और कैथरीना ब्रंट के साथ जा रहा हूँ। आप चाहे तो मेरे टीम के साथ जा सकते हैं या फिर अपने हिसाब से इन्हीं प्लेयर को लेकर एक अच्छा टीम बना सकते हैं। चलिए बॉलिंग सेक्शन में आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेंगे फैमोरिस, आरन ब्रेंडर। आप ट्रांस फरेंट को लेने की गलती मत करिए क्योंकि अभी अभी न्यूज आया कि ट्रांस फरेंट नहीं खेलेगी, इनके इंजरी के कारण ये नहीं खेलेगी। कैटी लेवी खेलेगी, बेथ लैंगस्टन खेलेगी, बट ये कुछ अच्छा नहीं कर पाती है, बहुत ही महंगा साबित होती है, इसलिए मैं बेथ लैंगस्टन को नहीं ले रहा हूँ। ग्वेन डेविस भी थोड़े से रिस्की ऑप्शन है, आप चाहे तो इन्हें लेस ग्रैंड में आप इनमें रेस ले सकते हैं। हेलेन फेन भी खेलेंगी आज का मैच, सॉफी मुंडो नहीं खेलेंगी, और पेस स्कॉलफील्ड भी मैच आज का खेलेगी, कैटी जॉर्ज भी आज का मैच नहीं खेलेगी। लॉरेन बेल पे मुझे थोड़ा रिस्क, अगर कैटी जॉर्ज पूरी तरह से फिट होती है तो उन कैटी जॉर्ज खेलेगी, नहीं तो उनके जगह पे लॉरेन बेल को खिलाया जा सकता है। मैं हेलेना फेनवी, अरेना ब्रेंडल और FI मॉरिस के साथ जा रहा हूँ। आप चाहे तो सेफ ऑप्शन में से किन्हीं के साथ आप जा सकते हैं। चलिए देखते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन किस तरह होंगे। कैप्टन मैंने रखा लॉरेन विनफील्ड, जो कि पिछले कुछ मैचों में हम लोग कंसिस्टेंसी से पॉइंट देती आ रही है। पिछले मैच में उन्होंने 33 पॉइंट, उनके पहले भी 48 पॉइंट दिए थे। ये देखिए मुझे लगता है कि ये अच्छा फॉर्म है और इस मैच में भी अच्छा कर सकती है, इसलिए मैं लॉरेन विनफील्ड के साथ जा रहा हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे कैप्टन सूजी वेट्स और वाइस कैप्टन लॉरेन स्मिथ, लॉरेन विनफील्ड, या फिर कैप्टन लॉरेन विनफील्ड और वाइस कैप्टन कैथरीना बंट।
आप चाहे तो अपना हिसाब से कॉम्बिनेशन चूज कर लीजिएगा। और मैं कैप्टन लॉरेन बिनफील्ड वाइस कैप्टन सुजी वेस्ट के साथ जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं इनका प्रीव्यू। कैप्टन वाइस कैप्टन का सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेंगे लॉरेन बिनफील्ड, सुजी वेट्स, ए डेविडसन रिचर्डसन, डेनियल वाइट, बेथ मुनी, आप चाहे तो कथना ब्रंट्स और सारा चमारिया पट्टू को भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं इसी तरह आपको न्यूज़ के साथ अच्छे अच्छे वीडियो देता रहूँ। धन्यवाद दोस्तों।